नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की हेडलाइंस पर। अब खबरें विस्तार से। आज बहरोड में नारनौल रोड पर एक मैरिज होम में बहरोड के चारों मंडल अध्यक्षों सहित सभी पदाधिकारियों और बूथ अध्यक्षों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, या यूं कहें अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनावी माहौल बनाने की तैयारी में लग गई है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा जो बहरोड में भी आने वाली है 17 सितंबर को, उसकी तैयारियों को लेकर के बड़ी गहमा गहमी नजर आई आज के इस कार्यक्रम में। आइए देखते हैं। बहरोड के आशीर्वाद मैरिज होम में बहरोड विधानसभा क्षेत्र के भाजपा बूथ अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव मुख्य अतिथि रहे। सरस्वती माता के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं चारों मंडल अध्यक्षों ने भाजपा का पटका पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। युवा नेता मोहित यादव भी कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे रहे। मंच पर डॉक्टर जसवंत यादव, बलवान सिंह यादव, उमेश शर्मा, संजय यादव सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। आज हमारे बहरोड के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के आदेश पे, अमित शाह जी के आदेश पे, पार्टी बीजेपी के सभी नेतागण के आदेश पे ये बूथ अध्यक्षों की मीटिंग रखी गई है। ये बूथ अध्यक्षों की मीटिंग इस उस उपलक्ष्य में रखी गई है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कैसे बूथ के ऊपर बूथ को और मजबूत किया जाए, और जो बूथ को मजबूत करने के लिए जो भी रणनीति है उसके डिस्कशन के लिए आज हमें यहाँ पे बुलाया गया है और बूथ अध्यक्षों की मीटिंग रखी गई है। इसके अंदर सारी बीजेपी के बूथ अध्यक्ष, पूरे 235 बूथों के सारे अध्यक्षों को यहाँ पर बुला के एक जो वसुंधरा जी का कार्यक्रम है यहाँ 17 सितंबर का, उसके अंदर किस तरह से वो कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया जाए, सफल बनाया जाए, उसके बारे में डिस्कशन होगा और किस तरह से हम चुनाव भारी भूमि से जीते वो डिस्कशन किया जाएगा। बहरोड की नारायणी देवी कॉलेज में भी आज मुख्यमंत्री की सुराज बस पहुंची। इस बस के अंदर मुख्यमंत्री की सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया था। कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके बस के अंदर जाके हर चीज़ का अवलोकन किया। वहीं प्राचार्य नीलम यादव ने भी बस के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो योजनाएं थी उसको जाना और छात्राओं को बताया। बहरोड की नारायणी देवी कॉलेज में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सुराज बस पहुंची। कॉलेज की हजारों छात्राओं ने बस के अंदर अवलोकन किया और सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। वहां डॉक्टर नीलम यादव ने भी बस का अवलोकन कर जानकारी ली। राजस्थान सरकार की तरफ से आयोजित सुराज बस यात्रा आज महाविद्यालय तक आई, जिसमें मोस्टली एक जो फोकस रखा गया है वो यूथ को ध्यान में रखते हुए है। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो गांव में कहां तक सक्सेस है, कहां तक पहुंच रही है, यूथ उसको उसका लाभ उठा पा रहा है या नहीं, तो एक तरह से गवर्नमेंट का वो एक वो प्लान है जिसमें जो भी योजनाएँ हैं वो सुचारू रूप से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, तो इसी अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा इस यूथ को वोट के लिए मतदाता के रूप में एज ए अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि इनके वोट का अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक सुराज बस यात्रा है जो जयपुर से चली है और आज बहरोड महाविद्यालय तक पहुँच, और बस में बहुत सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, नवाचारों के बारे में कि हमारा यूथ बैठे डिस्कशंस करे, चाय कॉफ़ी पे बैठे, आज की समस्याओं के बारे में विचार रखे, अपने इनोवेशंस रखे, इन सब चीज़ों को एक थीम बेस तैयार किया गया है और बताया गया है, और स्पेशली लास्ट में मुझे जो दिखाया गया एक लाइब्रेरी जो हमारी शिक्षण संस्थाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चों को यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने के लिए मोटिवेट किया।
निश्चित रूप से आते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम, थैंक यू। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे रात 24। नमस्कार।